तो तैयार है हमारा आलू का स्नैक जो कि हमने बड़े ही झटपट से रेडी किया है। ये काफी ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा, खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही इजी पर बहुत ही टेस्टी स्नैक की रेसिपी। ये बिल्कुल भी पोटैटो नगेट्स की तरह नहीं है, इसका टेस्ट जो है उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ बिल्कुल अलग स्टाइल में ब्रेड पोटैटो स्टिक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल तंदूरी फ्लेवर में है। तो जल्दी से हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। यहाँ पर मैंने ये 5 मीडियम साइज के आलू लिए हैं जिनको कि मैंने बॉयल कर लिया है। यहाँ पर 4 मैंने ब्रेड स्लाइस लिए हैं। ये थोड़ी बासी ब्रेड है, वो क्रम्बल करने में काफी इजी रहती है। अगर आपके पास ताजी ब्रेड है तो आप वो यूज कर लें। साथ ही हमने यहाँ पर लिया है टंगा हुआ दही, यानी कि दही का चक्का जिसको हम बोलते हैं। इस तरह से दही को रेडी किया है, दही से सारा मॉइस्चर निकल गया है। मैंने यहाँ पर एक कपड़े में दही को बांध करके छलनी में रख दिया था और इसे 1-2 घंटे फ्रिज में छोड़ दिया था जिससे कि सारा पानी छलनी से नीचे निकल गया कपड़े में से छनकर, और इस तरह से गाढ़ा दही बन करके रेडी हुआ है। इसे हम कर्ड भी बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दही से इसे रेडी किया है। ये लगभग 1/2 कप दही है। अगर आपके पास हंकर्ड नहीं है तो आप गाढ़ा दही यूज कर सकते हैं इसकी जगह। मसालों में 1 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, तंदूरी मसाला लिया है। डालने पर थोड़ा रेड कलर देता है और खड़े मसालों से बना होता है। और अगर आपके पास ये तंदूरी मसाला अवेलेबल ना हो तो आप इसमें सोया चाप मसाला या फिर गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच। यहाँ पर हमने लिया है लहसुन का पेस्ट, 1/2 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 बारीक कटी हुई हरे मिर्च, 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसको हमने बारीक काट लिया है, 1/2 नींबू का रस डालेंगे। आप चाहें तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और मैंने लास्ट में यहाँ पर लिया है कसूरी मेथी, 1 छोटा चम्मच, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 बड़े चम्मच। तो अब हम जल्दी से अपनी स्टिक्स बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। तो हम ये नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले अपना डो रेडी करेंगे। डो के लिए हम ब्रेड लेंगे। मैं इसे इस तरह कद्दूकस से कस लूंगी ताकि ये बिल्कुल क्रम्स के रूप में आ जाए। आप चाहें तो मिक्सी के कप में डालकर भी इसे क्रम्स रेडी कर सकते हैं, बट अगर ब्रेड ड्राई है तो इस तरह काफी इजिली क्रम्स बन जाते हैं। ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं तो हम यहाँ पर एक बाउल लेंगे, उसमें हम ये जो हंग कर्ड है वो ले लेंगे। गाढ़ा जो हमने दही लिया है बिना पानी के वो यूज करेंगे। इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तंदूरी मसाला, अगर ना हो तो आप गरम मसाला डाल सकते हैं, धनिया पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कसूरी मेथी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ प्याज, और एक बार इनको मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें आलू कद्दूकस कर देंगे। मैं इसमें बारीक वाला तरफ यूज कर रही हूँ आलू को ग्रेट करने के लिए। कद्दूकस करने से आलू अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे और सारे फ्लेवर्स भी अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैं सभी आलू ग्रेट कर लूंगी। इसको हम ये दही वाले मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा टैंगी फ्लेवर आ जाए जैसा कि तंदूरी डिशेस में होता है। अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स मिक्स करेंगे जो कि हमने बनाए थे। मैंने यहाँ पर 4 स्लाइस लिए थे बहुत ही छोटी ब्रेड के। अगर आपके पास बड़े साइज की ब्रेड हो तो आप इसमें 2 से 3 स्लाइस तक यूज कर सकते हैं। देखिए, सारे ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। ये देखिए, डो बन करके रेडी है। तो हम इसको स्पैचुला की हेल्प से इकट्ठा कर लेंगे। अगर आप हाथ पर हल्का सा ऑयल लगा करके चेक करेंगे तो ये देखिए, ये इजीली कोई भी शेप ले लेगा। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डो की। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, बट मैं इसकी स्टिक्स बनाऊंगी। स्टिक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड ले लिया है और इस पर मैं बिछा लूंगी वैक्स पेपर। अब हम इस पर घी लगा करके इसे ग्रीस कर लेंगे। इसे ग्रीस करने से ये ईजिली बाहर आ जाएंगी और चिपकेंगी भी नहीं, क्योंकि आलू का डो है तो काफ़ी चिपचिपा होता है। तो अब हम ये जो डो है इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे इस शीट पर।
तो अब हम इसे स्पैचुला की हेल्प से फैला लेंगे, या फिर आप हाथ पर घी लगा करके भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे फैला सकते हैं। देखिए हमने इसे इवनली फैला लिया है बिल्कुल बराबर। तो अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैं इसके स्पैचुला से इस तरह से निशान लगा लूंगी, आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं। हम इसको इस तरह से तीन हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और इसके पीसेस निकाल करके हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए क्योंकि हमने इस पर वैक्स पेपर लगाया है तो ये पीसेस इजीली निकल रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से सभी पीसेस निकाल करके हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो मैं इसके पीसेस निकाल लूंगी पहले और उनको प्लेट पर रख लूंगी। ये काफी गर्म है तो हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से गर्म है ऑयल, और इतना ही गर्म होना चाहिए। तो हम एक एक करके इसमें स्टिक्स डाल देंगे। आप चाहें तो इसे कम ऑयल में भी शैलो फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें बेक कर सकते हैं। बेक करने के लिए आपको इसको 15 मिनट्स एक साइड से बेक करना होगा और 15 मिनट एक तरफ से, और हल्का सा ऑयल लगा करके 200 डिग्री पर आप इन्हें बेक करें। ये काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची बन जाते हैं। इन्हें ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है और इन पर बहुत ही बढ़िया कलर आएगा तंदूरी मसाला से, और फ्लेवर जो दही और नींबू का है की तो बात ही क्या है। ये देखिए ये फ्राई हो चुके हैं तो हम इन्हें निकाल लेंगे। जो हमने पहले डाले थे वो वाले फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं और कितने बढ़िया दिख रहे हैं। ये काफी क्रिस्पी हैं ऊपर से, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया कलर और कितना बढ़िया क्रिस्प है इन पर। तो मैं इनको सभी को निकाल लूंगी और सेकेंड बैच भी फ्राई कर लूंगी। तो तैयार है हमारा आलू का स्नैक, जो कि हमने बड़े ही झटपट से रेडी किया है। बस इसको बनाते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पर फ्राई करें, और अगर आपको फिर भी एक स्टिक डालने के बाद लग रहा है कि आपके स्टिक्स ब्रेक हो सकती हैं ऑयल में, तो आप इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच बेसन ऐड कर दें डो में, उसके बाद ये बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैंने इसे यहाँ पर टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है, आप चाहें तो इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इनका टेक्सचर, ये काफ़ी ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। तो आइए इन्हें ट्राई कर लेंगे। दही का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है और नींबू के रस का तो जवाब ही नहीं। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द रेसिपीज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। बाय।